हाय प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वप्निल चौरसिया एक बार फिर आप सभी के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ्स जो कि हमारी एट प्रेजेंट टाइम में अपनी पुलिस आरक्षक MPSI में व्यापम के विभिन्न एग्जामों के लिए हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने अपना टॉपिक मिश्रा चालू किया था जिसे अपन आज कंटिन्यू करते हुए समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन हमने होमवर्क में दे रखा था, तो वो क्वेश्चन आपके लिए ये है कि 80 लीटर के पानी और अल्कोहल के मिश्रण में 75% क्या है? पानी है, तो आपका अल्कोहल और पानी है। ठीक है, उसमें आपका 75% क्या है? पानी है, तो आपका अल्कोहल मिश्रण कितना 100 मानते हैं तो अल्कोहल कितना हो जाएगा आपका 25। तो रेशियो कितना पाया जा रहा है? 25, हम 25 दिया 75, तो रेशियो कितने का हो गया आपका 1 और 3 का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। यहाँ पे कुल मात्रा कितनी आ रही है अपनी रेशियो के रूप में 4, और यहाँ पे आपकी कुल मात्रा कितनी है 80। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कुल मात्रा प्राप्त कर लेते हैं क्या क्या है अपने पास, कितना कितना। तो यहाँ पे 1:1 क्या आ जाएगा, 1:1=20। तो आपको वो यहाँ से पता चल गया कि आपके पास मिश्रण में 20 क्या है आपके पास अल्कोहल है, और क्या है आपके पास 60 क्या है आपके पास पानी है। ठीक है, तो अब इसमें कितना अल्कोहल डाल दें कि पानी कितना हो जाए, 75 से कितना 60 हो जाए। मतलब आपको यहाँ पे जो अपना अगला मिश्रण है उसमें अल्कोहल और यहाँ पे कितना अपना पानी, पानी का मिश्रण कितना करना है 60, तो अपने आप अल्कोहल कितना हो जाएगा 40। तो आपने हिसाब रेशियो बनाना कितना है आपको, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2:3 करना है। तो यदि डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो अपन इसको हल करते हैं कैसा, कि अपन ने देखा कि अपने पास क्या है 20 है क्या अल्कोहल, ठीक है, और 60 है क्या पानी। तो इसमें हमने माना कि अल्कोहल, अपन हमने अल्कोहल एक्स मिला दिया जिससे यह रेशियो कितना हो गया 2:3। बस इसको हल कर दिया, 3 × 3 यहाँ पे 3 × 2 = 6। ठीक है, अब और कुछ कट रहा क्या? नहीं, तो आपने इसको देखा कि 20x = कितना हो गया 20×2=40। ठीक है, तो x बराबर कितना आ रहा है आपको, 20 जाके माइनस कर दिया कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 20। ठीक है, तो बस आपको कितना पानी अल्कोहल मिला देना है, 20 लीटर आपको अल्कोहल मिला देंगे तो यह अनुपात कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका पानी का अनुपात 60 हो जाएगा, 60% हो जाएगा। ठीक है, तो जो चीज़ पूछी गई वो हमने हल करके दिखाई। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया था, यदि सब पे बना है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम अपनी क्लास को आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। अगला है 45 लीटर के पानी और शक्कर के घोल में शक्कर की प्रतिशतता 40% है। तुरंत पानी और शक्कर है, पानी और शक्कर, शक्कर की प्रतिशतता कितनी बोली उन्हें 40, तो पानी अपने आप कितना हो जाएगा 60। तो अनुपात कितने का बन रहा है आपको, तुरंत अनुपात बना लेना है, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, तो 45 लीटर का है और मिश्रण कितना है 45 लीटर, यहाँ पे 45 आ गया। ठीक है, तुरंत मात्रा पता कर लो कितने, 5 = 45, तो 1 = कितना आ जाएगा आपका 9। तो आपके पास पानी कितना है 9 × 3 = 27 और कितना 9 × 2 = 18। ठीक है, तो ये आपके आ गए पानी और शक्कर। यदि 5 लीटर पानी कम कर दिया जाए, 5 लीटर पानी कम कर दिया जाए तो शक्कर की प्रतिशतता कितनी रह जाएगी। ठीक है, तो अब 5 लीटर पानी कम कर दिया जाए, ठीक है, तो 5 लीटर पानी कम कर दिया हमने, तो यहाँ पे पानी कितना है 27, तो यहाँ पे 5 लीटर पानी जैसे ही आप करने कम किया, ठीक है, तो आपका यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे आपका बचा 22। ठीक है, और यहाँ पे हो कितना गया आपका, ये था आपका 18। ठीक है, ये आपके अनुपात नहीं है, कुल मात्राएं चल रही हैं, यहाँ पे आपका कितना बचा 22 और यहाँ पे कितना हो गया आपका 18, 22 और यहाँ पे हो गया 18। अब आपके पास कुल मात्रा कितनी है, कुल मात्रा आपने हिसाब लगाया कि कुल मात्रा हमारे पास है 40, कितनी है हमारे पास 40। ठीक है, अब 40 में आपकी कुल मात्रा है तो आपको शक्कर का प्रतिशतता बतानी है कि 40 का कितना प्रतिशत, 40 का कितना प्रतिशत। ठीक है, तो आपको बस यहाँ बताना है क्या कि क्या कितने प्रतिशत उसमें है। ठीक है, तो आपको बस वही चीज़ बताना है, तो हमें यहाँ पे देखना है कि जो आपका यहाँ पे मिश्रण है क्या, तो उसमें आपका क्या 22 है पानी, ठीक है, और यहाँ पे 18 क्या है शक्कर। तो बस आपका नया हिसाब किताब कितने का बना, हमारा नया हिसाब किताब बना, कुल अपने पास 40 लीटर का मिश्रण है, इसमें आपको क्या पता करना है 18 लीटर शक्कर कितना प्रतिशत है, तो बस आपको क्या करना है 40 का कितना प्रतिशत, तो हमने लगा 100x% कितना है आपका 18 है, तो बस इसको हल कर दिया हमने, 0 से 0 गया। ठीक है, 2 × 1 = 2, यहाँ पे 2 × 18, यहाँ पे 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, तो एक्स बराबर कितना आ गया 9×45। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना आ गया 9×45, तो 45 लीटर क्या है आपके पास
45 लीटर आपके पास क्या पाया जा रहा है, 45% आपके पास क्या है, शक्कर की प्रतिशतता है। ठीक है, तो ये आपके 45 आ गए। ठीक है, इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ईजी तरीके से सॉल्व किया। तो बस जो चीज़ है आपको पता कर लेना, आप बचा कितना है आपके पास 40 है, 40 में 18 कितना प्रतिशत है, वो आपकी प्रतिशतता आ जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले टाइप के क्वेश्चन की, जो आपके फेवरेट टाइप है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि 20 किलोग्राम वाले चावल में, 20 किलोग्राम वाले चावल में 28 किलोग्राम का चावल किस अनुपात में मिलाया जाए कि औसत मूल्य ₹25 प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस क्या कर देना है कि ₹20 किलोग्राम वाले चावल को, यहाँ पे ₹20 किलोग्राम वाला चावल लिखना है, यहाँ पे ₹28 किलोग्राम। ठीक है, आपको किस अनुपात में मिला दें कि भाई कितना हो जाए आपका 25 किलोग्राम। तो अब आपको यहाँ पे जो मिक्स वाली मेथड है वो यहाँ पे लग जाएगी। तो यहाँ पे औसत मूल्य कितना है, यहाँ पे आपका 25 है। तो आपको सब चीज याद रखना है कि ये भी क्या है, एक विक्रय मूल्य, ये भी क्या है, एक विक्रय मूल्य, और ये भी क्या है आपने बनाया, इसको भी एक क्या है, विक्रय मूल्य। या तो इसको सीधा मान सकते हैं कि यदि आपने ₹20 का खरीदा है तो आपके लिए क्रय मूल्य है, और आपको ये इसको भी आपने कितने में ₹28 का खरीदा है तो ये भी क्या है, क्रय मूल्य है। और ये आपने बना के उसे कितने में बना लिया है, कितने 25 का बना लिया है दोनों को मिक्स करके। तो बस आपको यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये सब आपके क्या है, क्रय मूल्य। तो हम बस यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि आपको तीनों चीज़ों को समान लेके चलना है। ठीक है, समान लेके चलना है, तो बस वही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपने इसका अनुपात, इसको अपन इसमें से घटा के लिख देते थे, कैसा आता था, 28 माइनस 25, बस इसको इसमें से घटा के लिख दीजिए और इसको इसमें से घटा के लिख दीजिए, 20 माइनस 25। ठीक है, या 25 माइनस 20, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, अनुपात कभी ऋणात्मक नहीं होते। तो अपन वो यहाँ पे निकाला कितना आ जाएगा, 3, अनुपात में कितना आ जाएगा, 5। तो बस आपने इसको हल किया, तो आपने यहाँ पे हिसाब लगाया कि ये वाला चावल कितना 20 वाला था वो किस अनुपात में आया, 3 अनुपात में आया, 28 वाला किस अनुपात में आया, 5 के अनुपात में आया। तो आंसर क्या बना, 3:5। ठीक है, 3:5 क्या बन जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आपने बस यही चीज किया ना कि यहाँ पे आपका 20 और 28 था, उनको मिक्स करके कितना 25 में आया। तो आपने यहाँ पे इसको मिक्स वाली मेथड से किया अपन ने कि 20 में से 25 को घटा दिया तो कितना बनेगा, 5, 28 को 25 में से घटा दिया क्या आ जाएगा, 3। ये हो गया अपना और अनुपात बन गया। जब भी आपको किसी भी चीज को एक अनुपात, दो चीज़ों को मिलाकर एक चीज़ बनाई जा रही है, तो उसे आप इस तरीके से अनुपातों में विभक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अपन हल कर चुके हैं, अब चलते हैं हम आगे की ओर। अगला क्वेश्चन फिर से लेके आ रहे हैं, देखिए फिर से, ₹40 प्रति लीटर के दूध में ₹60 प्रति लीटर का दूध किस अनुपात में मिलाया जाए कि औसत मूल्य कितना बन जाए, 56। ठीक है, तो बस फटाफट अपन मिला देते हैं, यहाँ पे है 28 का, 48 का है और एक है 60 का, मिलाना कितने में है, 56 में। तो बस अंतर कितना आ रहा है, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है आपका, 4। तो ठीक है, तो ये किसका अनुपात निकल आया, ₹48 लीटर होगा के दूध का, और इसको इसमें से घटा देना है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 8 और 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा, मतलब कितना आ रहा है, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो ये दोनों किस अनुपात में, 1:2 के अनुपात में आपके क्या है, मिक्स है। ठीक है, मिक्स हो जाएंगे, 1:2 के अनुपात में मिक्स हो जाएंगे। सीधी बात ये है कि आपको एक क्या ले लेना है, एक ये वाला चावल ले लेना है, और दो क्या आ रहा है आपका, दो आपको दो के अनुपात में आपका कितना ले लेना है, 60 किलोग्राम आपका ₹60 वाला क्या दूध ले लेना है। तो बस यहाँ पे जो आपकी है ये है आपकी मात्राएं। ठीक है, और ये आपको लगभग यहाँ से पता क्या चल रहा है कि आपने कितना माल मिलाया है। ठीक है, ये सब है आपको मात्रा, तो हाँ यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, मात्राएं पता चल रही है, ये अपनी क्या है रुपए में है कि इतने रुपए वाला इतने का बना लिया। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है आपको, मात्रा की आपने किस अनुपात में मिलाया है। तो आपने लिया है क्या, 48 रुपए लीटर वाला 1 लीटर दूध लिया है, और 60 रुपए वाला कितना, 2 लीटर लिया है, और दोनों को मिक्स किया है तो आपने कितना बना लिया, 56 रुपए प्रति लीटर का मिश्रण बना दिया है। तो बस ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यदि इससे कुछ और चीजें पूछेंगे तो वो आगे आपको कुछ पता चलने वाली है। ठीक है, तो ये एकदम सरल था, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए कि 30 किलोग्राम वाले मिश्रण में ₹35, तो यहाँ पे आपको दिया गया 30 किलोग्राम वाले मिश्रण में ₹35 प्रति किलोग्राम और ₹30 प्रति किलोग्राम के चावल का मूल्य ₹32 किलोग्राम प्राप्त किया गया, तो ₹35 किलोग्राम वाला चावल कितना है। इस बार देखिए एक स्टेप आगे बढ़े अपन, तो सबसे पहले अपन को पता है कि आपके पास कुल कितना है आइटम, 30 किलोग्राम, ये आपका कुल है मिश्रण। ठीक है, ये क्या है आपके,
प्राइस है, ठीक है। तो आपका क्या है, 35 वाला है और 30 वाला है चावल, इसको आपको कितने का बनाना है, 32 का। तो सबसे पहले आपके पास कुल कितना है, 30। तो आप यहां से निकालेंगे क्या, आप यहां से निकालेंगे मात्राएं, ठीक है, कि आपके पास 35 वाला कितना चावल है और 30 वाला कितना। तो आपने यहां पे निकाला, इसका डिफरेंस लिया कितना पाया गया, 3। इसका डिफरेंस लिया कितना पाया गया, 2। तो अपने पास जो अनुपात है 2:3 के अनुपात में है मात्राएं, ठीक है। कितना है, 2:3। तो यहां पे आपने डिफरेंस लिया, लिया ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपके पास कुल मात्रा पता चल गई कि आपके पास कुल मात्रा कितनी है, 5x अनुपात में है, ठीक है। 5x है अपने पास कुल माल, ठीक है। और यहां पे आपके पास कुल कितना है, 5x बराबर कितना हो जाएगा, 30। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 × 30, 6 आ गया। अब आपसे पूछा किसका गया है, 35 रुपए वाला। तो 35 रुपए वाला किलो कितना किलोग्राम है, तो आपका अनुपात है 2, तो 2 गुणित का कितना आ जाएगा, 6, 6 दूनी कितना आ जाएगा, 12। ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये चीज निकाली, ठीक है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई। तो जो चीज पूछते जा रहे हैं वही चीज अपन करते जा रहे हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। बस यहां से आपको क्या, 30 रुपए किलोग्राम के मिश्रण में 35 और 30 को मिलाया। तो हमने यहाँ पे 35 और 30 लिया, बीच में औसत मूल्य ले लिया, दोनों का अनुपात बने 2 और 3। तो यहां से क्या निकला है, मात्रा, कि ये 2 के अनुपात में आपने ये मिलाया है और 3 के अनुपात में क्या मिलाया है, ये वाला। कुल कितना है, 30। तो आपने हिसाब लगाया कि x बराबर 30, तो यहां से पता चल गया कि 12 आपके पास क्या है, 35 वाला, और 18 क्या है आपके पास, 30 रुपए किलो वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना आंसर प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन फिर से उसी टाइप में होगा कुछ, कि 40 किलोग्राम के 43 किलोग्राम कीमत वाले दो मिश्रणों में इस प्रकार के अनाज, 40 किलोग्राम के 43 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत वाले दो अनाज, दो प्रकार के अनाज 38 रुपए प्रति किलोग्राम और 46 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिलाए गए। तो 46 रुपए प्रति किलोग्राम वाली मात्रा की कितनी थी। तो यहां पर देखिए, 40 किलोग्राम के 43 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत वाले मिश्रण में, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सवाल को घुमाया गया है। देखिए, वैरायटी आपको हर तरीके की मिलेगी, क्वेश्चन समझना है कि वही चीज है कि कुछ नया पूछ लिया। तो इस बार आपको दे दिया गया है कि आपने कुल मात्रा कितनी ली है, 40, और आपने बना कितना दिया है, 43 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत वाले मिश्रण में दो प्रकार के अनाज 38 और 46 के मिला दिए गए हैं। तो बस वही आपको करना है, ये आपने एक 38 का लिया है और एक लिया है 46, और मिला के कितने का बेच दिया है आपने, 43 का बेच दिया है, ठीक है। तो और आपके पास कुल मात्रा कितनी है, 40। तो आपको पूछा गया 46 वाले का अनुपात के, मतलब 46 वाले का कितना मात्रा, कितनी मात्रा है। तो यहां से आपने हिसाब लगाया, यहां से 3 पाई गई और यहां से 5 पाई गई, ठीक है। तो कुल मिला के आपके पास कितनी पाई गई, आपने हिसाब लगाया कि हमारे पास सर 8 पाई गई कुल मिला के, 8, और यहां पे कितना पाया गया, 40। तो 8 बराबर 40, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 8 × 5 = 40, 5 आ गया। तो आपके पास अब 46 रुपए वाली कितनी मात्रा है, आपने बोला 5, और अनुपात में भी कितनी है, 5, ठीक है। तो 5 × 5 कितना आ जाएगा, 25 आंसर, कि आपके पास क्या है, 25 किलोग्राम क्या है, 46 किलोग्राम वाली चीज है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सवाल समझना है, हर सवाल में आपको कुछ ना कुछ नए प्रकार की चीज मिलेगी, तो जिसे आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझते हुए चलना है। तो ये हमने पूरा प्रॉपर तरीके से हल करके दिखाया आपको, ठीक है, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, ठीक है, ये हमने हल किया। तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं किया, बस आपको यहाँ पे इस बार डिस्क्राइब कर दिया गया था कि आपको जो 43 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत वाला मिश्रण है उसमें आपने कितने 38 और 46 के मिक्सर मिलाए हैं। तो वही चीज आपको समझना है, बस क्वेश्चन को आगे पीछे करके थोड़ा सा रोटेट किया गया था, ठीक है। इसीलिए हम भैया बोल रहे हैं कि हर प्रकार का क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, ठीक है, जितने भी प्रकार के हो सकते हैं सभी प्रकार के क्वेश्चन इस तरीके से बिल्कुल सेपरेट तरीके से आज तक अभी तक हमने कभी किसी को पढ़ाते नहीं देखा। तो जिस जो प्रयास हम कर रहे हैं तो आपको उसमें भी आपको बराबर सहयोग करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या है आपका, 40 रुपए किलोग्राम के आटे को 50 रुपए किलोग्राम के आटे के साथ किस कीमत पे मिलाया जाए कि मिश्रण को 54 रुपए प्रति किलोग्राम की में बेचने से 20% का लाभ हो। अब यहां पे देखना, यहाँ पे क्या दिया गया है, 54 रुपए प्रति किलोग्राम से बेचने पर 20% का लाभ हो। स्पीड में साथ में कीजिए यदि कोई कर रहा है तो, ठीक है, तो आपको करते चलना है। तो यहाँ पे आपको एक चीज ये सोचना पड़ेगा कि आपने, आपके पास आटा कितने वाला है, 40 रुपए वाला है और 50 वाला है, ठीक है, और आपने उसको किस अनुपात में मिलाया, किस रुपए के हिसाब से मिलाए, ठीक है, कि आपको क्या कि 54 रुपए किलो के हिसाब से बेचने पर आपको 20% का लाभ भी हो जाता है। तो सबसे पहले अपन को ये क्या है, ये अपन ने 54 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से क्या कर दिया, बेच दिया है,
ठीक है, बेच दिया ना, तो आपने मिलाया होगा किस रुपए के हिसाब से, ठीक है, जब आपने मिलाया होगा तो आपने मिला के कितने रुपए प्रति किलोग्राम का आपने माल बनाया होगा, तो वो अपन को प्राप्त करना पड़ेगा। लेकिन ये क्या दिया है, अपन ने तो बेचने वाला मूल्य दे दिया, तो अपन को पता करना है कि खरीदा कितने के हिसाब से होगा, ठीक है। तो अपन सबसे पहले ये क्या दिया गया अपन को, विक्रय मूल्य, अपन को क्या चाहिए, क्रय मूल्य, ठीक है। तो अपन का पता है आपका कि क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है आपका विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे में 100 धन लाभ प्रतिशत। ये याद है, जब अपन प्रतिशत पढ़ेंगे तो उसमें अपन हर चीज को यूज करेंगे, डायरेक्ट भी सिखाएंगे। तो अभी तो अपन को क्रय मूल्य से मतलब है, क्रय मूल्य बराबर कितना आ जाएगा आपका, विक्रय मूल्य 54 गुणा है 100 और बटे में लाभ कितना हो रहा है आपको 20, तो 120, ठीक है। तो इसको अपन हल कर देंगे, तो यहाँ पे आप हल कर दीजिए, क्या 2 से 2 गया, ठीक है, यहाँ पे 5 दूनी 10, 2 पंचे 10 और 2 छिंग 12, 6 एकम 6, 6 9 54, तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 9 पना 45, क्या आ गया, 9 पना 45, कि आपने 40 रुपए वाले आटे को 50 रुपए वाले आटे को मिला के कितने में, कितने का बना लिया था, 45 रुपए किलोग्राम वाला आटा बना लिया था, ठीक है। तो आपने यही बना लिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बीच में 45, ठीक है, ये बन गया। तो बस इसको आपने हल किया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपने अंतर लिया कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपका 5, ठीक है। तो आपने 1:1 के अनुपात में क्या लिया है, माल लिया है, क्या 1:1 के अनुपात में माल लिया है। तो बस यही चीजें हैं, आपने यहाँ पे क्रय मूल्य कितना बनाया 45, ठीक है, आपने 1:1 के अनुपात में माल लिया, मतलब दोनों की आपने समान मात्राएं ली है, ठीक है, और उसे मिक्स करके कितने में बेच दिया, 54 रुपए 45 रुपए के हिसाब से आपने रेट निकाला और बेचा कितने में, 54 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से निकाल बेच दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये मात्रा आपका निकली, और आपकी मात्रा जब भी निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी आपको ये प्रतिशत पूछ लिया जाए तो, और आपको ये क्या 54 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचने पर 20% का लाभ हुआ, तो आपको पता करना है कि पड़ा कितने का था अपन को, जब तो अपन ने 54 का बेच दिया, तो आपने हिसाब लगाया कि सर 45 का पड़ा था और आपने इसको क्या 20% का लाभ पाना है, तो इसे कितने में बेचना पड़ेगा, 54 का बेचना पड़ेगा, ये एक सीधा हिसाब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करेंगे। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन के पास, अगला क्वेश्चन फिर से आपके लिए इसी टाइप में मिला है, क्या 35 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल में 44 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 50 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचने से 25% का लाभ हो। तो फिर से आपको, आपके पास है मिश्रण 35 किलोग्राम वाला, रुपए वाला, और आपके पास है 44 रुपए वाला, और आपने उसे बेच कितने में दिया, 50 में बेच दिया। तो आपने जब यहाँ पे सबसे पहले पता करो, क्वेश्चन ये करो खुद से कि हमने इसको जब मिलाया था तो आपका कितने रुपए वाला मिश्रण बन गया था, तो वही आपको पता करना है कैसे, 50 गुणा 100 बटे में कितना आ जाएगा 25% लाभ, मतलब 125, बस 25 से काट दो, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 पंचे 125, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब कितना आ गया 40, ठीक है। तो आपने 35 रुपए वाले और 44 रुपए वाले मिश्रण को मिक्स किया तो वो कितने का बन गया था, वो बन गया था 40 रुपए वाला मिक्सचर बन गया था, ठीक है, 40 रुपए वाला मिक्सचर बना। अब आपने किस अनुपात में मिलाया इसको, इसको इन दोनों को मिलाया, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 5, मतलब आपने 4:5 के अनुपात में इन दोनों को मिलाया है, ठीक है, क्या मिलाया, 4:5 के अनुपात में इन दोनों को मिलाया, जिससे आपका क्या, और मिलाने के बाद आपने उसे 50 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच दिया तो आपको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जब पूछा जाए तो अपन को क्रय मूल्य प्राप्त कर लेना है और ये हल कर देना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, तो इसको हमने सॉल्व किया। अब चलते हैं हम आगे की ओर, अगला क्वेश्चन बिल्कुल इजी रहता है आपका मिश्रण, इसीलिए ये मिश्रण को आपको हमेशा इजी तौर पे हल करते चलना है। अगला है 40 लीटर के दूध में पानी को किस, दूध और 40 लीटर के दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि औसत मूल्य 36 लीटर पड़े, औसत मूल्य 36 रुपए लीटर पड़े, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाला है, एक छोटा सा पॉइंट बस बता देंगे, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 40 रुपए प्रति लीटर के दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए, तो अब यहाँ पे ये क्या दिए रहते हैं अपन को, आपको पता है सर आपने बोला मूल्य दिए रहते हैं, तो आपको यहाँ पे दूध का मूल्य कितना दिया गया, 40 रुपए प्रति लीटर, ठीक है, और आपको यहाँ पे कितना है 36 रुपए प्रति लीटर, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी पानी के बारे में, तो पानी कितने रुपए लीटर मिला,
ठीक है, तो अपन बिसलरी तो मिला नहीं रहे हैं, जो अपन 20 रुपये और 25 रुपये वाला लीटर पानी मिला दें, अपन तो मिला रहे हैं वही कि नल का पानी आया दूध वाला वही मिला लेता, अपन को पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो वही पानी तो उसका मूल्य कितना होता है, तो आपको पता है सर उसका मूल्य होता है 0 रुपये प्रति लीटर। क्या होता है? 0 रुपये प्रति लीटर। ठीक है, तो बस वही आपको है, बस अपना अनुपात निकाल दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 36 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 4। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि आपने क्या कि ये आपका क्या है दूध है, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है आपका पानी है। ठीक है, तो आपने किस अनुपात में मिलाया, तो 6 * 4 * 4 = 36। ठीक है, तो आपने 9:1 के अनुपात में मिला दिया। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है अपन को समझ में नहीं आता क्या मिला है कैसे मिला है कहाँ से आएगा, तो वही चीज आपने कर दी क्या कि 40 रुपये लीटर के दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए। ठीक है, तो अपन ने पानी लिया कितना 40 रुपये का दूध लिया, पानी लिया अपन ने 0 रुपये प्रति रुपये का, ठीक है 0 रुपये प्रति लीटर का। ठीक है, तो उसे हमने किसने अनुपात में मिला दिया 9:1 के अनुपात में मिला देंगे, तो आपको हमेशा औसत मूल्य कितने का पड़ने वाला है 36 रुपये प्रति लीटर का पड़ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई ना बात कि जब आपको पानी की रुपए की मात्रा नहीं दी हो तो आपको क्या करना है उसको मान लेना है कितना 0। ठीक है, 0 रुपये प्रति लीटर। ठीक है, क्यों? अब क्योंकि आपको पता है ये पानी जो मिलाया जाता है वो तो अपन को खुद नहीं पता रहता, वो तो उसके पास होता है जो मिला देता है, उसके खरीदते हैं क्या अपन नहीं। ठीक है, तो बस इसीलिए आपको आंसर ये आएगा क्या 9:1। क्लियर, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है कि 2 मिश्र धातुओं में लेड और टिन का अनुपात क्रमशः 4:5 है और 5:1 है, यदि दोनों को समान मात्रा में मिला दें तो नया अनुपात क्या होगा। ठीक है, दोनों को समान मात्रा में मिलाना है, तो सबसे पहले आपको यहां पे एक है 4:5 और दूसरा है 5:1। ठीक है, तो अब दोनों को समान मात्रा है, मतलब क्या है कि आपको क्या करना है कि लेड 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 अलग निकाल लो, टिन टिन अलग निकाल लो, दोनों को क्या कर दो मिक्स कर दो। तो इसको निकालने के दो तरीके हैं, सबसे पहले आप क्या करो कि इन दोनों संख्याओं को एक संख्या सपोज कर लो, ठीक है, और वहां पे कुल मात्रा मान को उसको अलग अलग कर लो, या जो नॉर्मल तरीका है वो अपन करते हैं। सबसे पहले अपन क्या है अपने पास अनुपात के रूप में कुल कितना माल है, आपने बोला सर 9 है, ठीक है 9 में आपका लेड कितना है, लेड आपने हिसाब लगाया लेड हो जाएगा क्या 4/9। ठीक है, और आपका टिन का कितना भाग है 5/9। ठीक है, ये है ना, ठीक है ये हो गया आपका क्या लेड, ठीक है, और ये क्या हो गया अपना टिन। फिर इसके पास आए, यहाँ पे आए आपके पास, यहाँ पे कुल कितना माल है आपने बोला सर 6, तो यहाँ पे अपना कितना लेड का हिस्सा कितना हो जाएगा 5/6 और टिन का हिस्सा कितना हो जाएगा 1/6। ठीक है, बस अब लेड लेड का पता चल गया, टिन टिन का पता चल गया, लेड लेड का मिला दो, लेड का कितना हो रहा है यहाँ पे 4/9 + 5/6 अनुपात, यहाँ पे टिन टिन कितना हो रहा है 1/5/9 और 1/6। ये दोनों लिए, बस इसको हल कर दीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा 9 और 6 का एलसीएम आ रहा है 18। ठीक है, कितना आ रहा है 18, तो एलसीएम कितना आया आपका 18। ठीक है, अब 9 का भाग 18 दिया, कितना 9 × 2 = 18 कितना आया 2 2 चौके कितना हो जाएगा 8 प्लस यहाँ पे आपका आ गया 6 6 3 कितना 18 3 5 15। ठीक है, ये आया, अब यहाँ से आ जाओ, यहाँ पे कितना आ रहा है 18। ठीक है, अब 9 * 1 = 9 9 * 2 = 9 कितना हो रहा है 18 2 * 5 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, प्लस 6 * 6 = 18 कितना आ जाएगा 3। तो अब यहाँ पे देखिए अनुपात है 18 से 18 क्या हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ पे कितना आ जाएगा 17। ठीक है, 17 नहीं कितना आ जाएगा 15 * 8 कितना हो रहा है 23। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 13। ठीक है, तो 23:13 के अनुपात में ये दोनों क्या हो जाएंगे नया अनुपात मिलेंगे मिलाने के बाद। ठीक है, 23:13 यहाँ पे चेक कर लेते हैं, एलसीएम इतना 18, यहाँ पे 9 * 2 = 18 8 * 2 = 9 यहाँ पे 4 * 2 = 8 यहाँ पे 6 * 6 = 6 3 = 18 3 * 5 = 15। ठीक है, यहाँ पे भी 9 यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया तो अनुपात कितना आ गया 23:13। तो आपको यहाँ अलग अलग कर लेना, दोनों को क्या कर लेना है मिक्स कर देना है। ठीक है, अब इसके अलावा अपन चलते हैं एक और दूसरी मेथड के पास। ठीक है, दूसरी मेथड क्या है, आपको यहाँ पे एक संख्या सपोज करनी है। ठीक है, तो आपको इन सभी चारों नंबर का क्या ले लो, चारों नंबर का एलसीएम कितना 4 5 5 1 4 5 5 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4 * 5 = 20 और 5 * 1 का भी कितना 20 में शामिल हो जाएगा। तो आपने माना कि आपके पास जो 2 अनुपात में दोनों चीजें मिली गई वो किस किस के अनुपात में है, 20 20 के अनुपात में है। ठीक है, 20 20 के अनुपात 20 20 के मात्रा में है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 20 के मात्रा में है और यहाँ पे कुल कितने कितने की मात्रा में है आपकी
यहाँ पे आपने हिसाब लगाया कि हमारे पास क्या 9 की मात्रा में, तो यहाँ पे देखिए एक चीज और परिवर्तित करना चाहेंगे, जो हमने एलसीएम लिया है वो क्या लेना है, इन दोनों का योग कीजिए और इसका भी योग कीजिए, क्या इन दोनों का योग कीजिए, इनका योग कितना रहा 9 और यहाँ पे आ रहा है 6, 9 और 6 का एलसीएम लेना है, संख्याओं का एलसीएम ले रहा है तो वो कट नहीं रहा है, इसीलिए अपन को क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक बताने की कोशिश कर रहे हैं, 9 और 6 का क्या लीजिए एलसीएम, ठीक है, 9 और 6 का एलसीएम आपको कितना पाया, आपने पाया 18, तो आपने माना कि आपके पास कुल मात्रा कितनी है 18 है, ठीक है, और यहाँ पे भी कुल मात्रा कितनी है आपके पास 18, इसमें आपने हिसाब लगाना शुरू किया, 18 के हिसाब से आपने के पास अनुपात के रूप में कितनी है 9x, ठीक है, तो यहाँ पे 1 बराबर कितना आ जाएगा 2, ठीक है, तो आपने पहले अनुपात में हिसाब लगाया 4:5 का अनुपात है, ठीक है, 4:5 का अनुपात है, तो आपके पास ये वाली मात्रा कितनी होगी, 4 × 8 यहाँ पे कितनी हो गई 5 × 2 = 10, ठीक है, पहली मात्रा ये आ गई। अब चलते हैं थोड़ा सा इस तरफ वाले के पास, यहाँ पे आपने कितनी मानी कुल मात्रा 18 और आपके पास यहाँ पे कुल मात्रा कितनी है, आपने बोला 6x, x बराबर कितना आ जाएगा 6 × 6 = 6 × 3 = 18, x का मान कितना आ गया 3, अब यहाँ पे आपको कुल मात्रा कितनी पता चल रही 5 और 1 के हिसाब से 5 × 3 = 15 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, ठीक है, बस अब आपको पता चल गया मात्रा मात्रा है, तो दोनों की मात्रा मिला दो, यहाँ पे आपके पास कितना है 8 है और यहाँ पे आपके पास लेड कितना है 15 है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास लोहा कितना है आपके पास 10 10 है और यहाँ पे कितना है आपके पास 3 है, तो बस दोनों को मिला दिया कितना आ जाएगा 23:13 के अनुपात में ये दोनों क्या हो जाएंगे मिक्स हो जाएंगी, बस इस तरीके से आपको अपना आंसर हल कर देना है, ठीक है, तो जैसे जो जो चीज पूछी जाए वो आपको कर देना है, ये वाली मेथड बिल्कुल बेसिक कि आपने भाग निकाले दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है, और ये वाली मेथड आपने अलग अलग इसको ऐड किया, ठीक है, तो इस तरीके से हम पूरा प्रॉपर क्वेश्चन को बिल्कुल इजी तरीके से हल कर सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में होने वाले ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल हल किया, ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे के अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है कि दो मिश्र धातुओं में तांबा और टिन के अनुपात 3:5 और 7:1 है, तो इन दोनों को समान मात्रा में आपस में मिलाई जाए तो नया अनुपात क्या होगा, तो हम इसे शॉर्ट में फटाफट करके देखते हैं कि इन दोनों का योग कितना हो रहा है 8, इन दोनों का योग भी कितना हो रहा है 8, तो आपने माना आपके पास कुल मात्रा कितनी है 8, 8 में आपका क्या हो जाएगा 8 के अनुसार इनका योग भी क्या हो जाएगा 8, 8 से 8 गया कितना बचा 1, तो आपके पास माना कि आपके पास पहले मिश्र धातु में तांबा है 3 और 5 है आपका क्या 10, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ भी तो आपको बस क्या लगाना है 7 हो जाएगा आपका क्या तांबा और 1 हो जाएगा क्या 10, अब दोनों को जोड़ दिया कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 और यहाँ पे 6, अनुपात कितना निकल रहा है आपका अनुपात निकल जाएगा सीधा 5:3, ठीक है, तो 5:3 के आप में दोनों को मिला दोगे, ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्ट तरीका। अब चलते हैं थोड़ा सा जो नॉर्मल मेथड है, क्या हमने माना कुल मात्रा 8 मान ली थी, 8 के अनुसार हमने 3 और 5 के हिसाब से अपनी मात्रा निकाली, तो 3 का 3 आ गया और यहाँ पे 5 का 5 आ गया, यहाँ भी आपके पास हमने माना था 8, यहाँ पे 7 का 7 आ गया और 1 का 1 आ गया, ठीक है, अब यदि अपन डायरेक्ट ना निकाल के वैसा करें क्या कि आपके पास मान के चलिए 5:3, 5 और 7 और 1 के अनुपात में है चीजें, आपने यहाँ पे कुल माना कि आपके पास यहाँ पे 8 है यहाँ भी 8 है, तो आपने यहाँ से निकाला कि आपके पास तांबे की मात्रा कितनी है 3/8, ठीक है, और टिन की मात्रा कितनी हो जाएगी आपकी 5/8, ठीक है, ये आपका भाग निकला है, कुल भाग में आपका कितना कितना मान है, ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे 7/8 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1/8, ठीक है, बस अब दोनों के हिस्से हिस्से अलग हो गए, दोनों हिस्सों को क्या पकड़ के इकट्ठा कर दो 7/8 धन 7/8 और 3/8 धन यहाँ पे 5/8 धन 1/8, ठीक है, दोनों को आपने मिक्स किया कितना आया 8 और 7 और कितना हो गया 13 हो गया, सॉरी 10 हो गया यहाँ पे और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 8 और यहाँ पे हो जाएगा 6, 8 से 8 कट गया, आपने काटा 2 × 2 = 2, 2 × 3 = 6 और यहाँ पे 2 × 5 = 10, तो क्या आ गया 5:3, तो ये आपका नॉर्मल तरीका हो गया, ये आपका शॉर्ट तरीका हो गया, दो आपको अच्छा लगे वो आपको कर लेना है, जब भी आपको दो चीज़ों को इस तरीके से मिलाने आ जाए या तीन चीज़ों को भी मिलाने आ जाए तो आपको इसी तरीके से मिला देना है, ठीक है, सेम तरीका है ना। अब अगला चालू करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा टाइप चेंज करते हुए क्वेश्चन चालू कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, एक मिश्र धातु में सोने और चांदी का अनुपात 2:3 जबकि अन्य में 1:4 है, दोनों को आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए कि यह अनुपात 7:3:7 हो जाए, ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको दो सोने चांदी का अनुपात 2:3 में एक में बर्तन में मिलाया, एक में आपने 1:4 में मिलाया है, ठीक है, कि आप में आप अब दोनों को आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए, ठीक है,
कि आपको यहाँ पे दो मिश्र धातु है सोने और चांदी की, ठीक है, तो दोनों अलग अलग तरीके से हैं, ठीक है। अब दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि उनका अनुपात 3:7 हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता करना है किस अनुपात में मिलाने से इनका अनुपात कितना हो जाए, 3:7। तो बस आपको क्या करना है कि इस सवाल को हल करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक एक हिस्सा उठाना है दोनों का, और जो आपको मेन अनुपात दिया उसमें से भी एक हिस्सा उठा कर उसमें से अपन को अपनी मिश्रण विधि लगा देनी है। देखिए जो मेथड बता रहे हैं बिल्कुल वही फॉलो कीजिएगा, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो इसको हम थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से कराएंगे, इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे और इसका भी हम एलसीएम लेंगे। इसके हिसाब से हम मानेंगे कि यहाँ पे कुल मात्रा आपकी जितनी आएगी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसकी मात्रा निकल आएगी, ये इसकी मात्रा निकल आएगी। इसमें से हम उठाएंगे क्या, हम दोनों का उठाएंगे क्या एक एक मान और उसको हल करेंगे। तो बहुत ही पेचीदा मेथड है, इतना टाइम अपने पास नहीं होता, इसीलिए हम इसको बिल्कुल शॉर्ट में सिखाना चाहेंगे कि आपके पास पहला अनुपात कितना है 2 और 3, यहाँ पे आपका 1 और 4, और आपको मिलाना कितने में है, यहाँ पे आपको मिलाना कितने में है, मिलाना है आपको 3:7 के में, ठीक है। तो आपने इसको मिक्स किया जैसे कैसे कि यहाँ पे आपकी कुल मात्रा कितनी है 5, और यहाँ पे कुल मात्रा आपकी यहाँ भी कितनी है 5, और यहाँ पे कितनी है 10, ठीक है। तो आपने हिसाब लगाया कि पहले हिस्सा कितना है, पहले में कितना भाग आ जाएगा 2/5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा दूसरे का 3/5 आ जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा 1/5, और यहाँ पे आ जाएगा 4/5, और यहाँ पे आ जाएगा 3/10, और यहाँ पे आ जाएगा 7/10। तो ये सब के हिस्से निकला है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि आपने पहले पहले वाले पहले पहले को किस अनुपात में मिला दिया, 7:3 तक ले गए, और दूसरे दूसरे को किस में ले गए, 7 में ले गए। तो बस आपको क्या करना है, कवर करना है कि आपको किस अनुपात में मिला है। तो पहले पहले को उठाओ और तीसरे उसके किस अनुपात में मिलाया है, तो हमने यहाँ पे उठाया पहले में से उठाया 2/5, दूसरे में से उठाया 1/5, और उसे किस अनुपात में मिक्स किया, आपने बोला 3/10 के में मिक्स किया। बस ये इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यदि दूसरे दूसरे को उठाएंगे तो दूसरे में से क्या कर देंगे अपन, माइनस कर देंगे, तो भी आपका सेम आंसर आएगा। तो इसको इसमें से माइनस करके लिख दीजिए, 3/10 माइनस 1/5, यहाँ पे आ जाएगा 3/10 माइनस 2/5। यदि माइनस में वैल्यू है तो माइनस को इग्नोर कर दीजिएगा, एलसीएम आने वाला है आपका 10, यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस का 2, ठीक है। 10 का 10 में दिया 1, 1 का गुणा 3 में, 5 का 10 में दिया कितना 2, 2 का गुणा 1 में, तो 2 ज्यों का त्यों, यहाँ पे भी आपका कितना 10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3 माइनस के 4, ठीक है। 3 माइनस के 4 ये आ गए, अनुपात बनाया, 0 से 0 कट गया, यहाँ पे कितना आ गया आपका 1, और यहाँ पे भी कितना आ गया 1। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस का 1 नहीं 1 आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखा कि आपका आंसर क्या बन रहा है, 1:1, तो आपको यहाँ से पता चल गया कि 1:1 के अनुपात में आप दोनों को मिलाएंगे तो आपका ये मिश्रण तैयार हो जाएगा, ठीक है। किसी के मन में ये है कि आप दूसरे वाले अनुपात से लेके कीजिए, दूसरे वाले से भी करके बता देते हैं, इसका है 3/5, इसका है 4/5, मिला दिया है 7/10 के रूप में, तो आपने इसको इसमें माइनस करके लिखा, ठीक है। तो माइनस करके यहाँ पे जैसे ही आप लिखोगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3/5 माइनस 7/10, आगे पीछे लिख सकते हैं, इस तरफ आ जाएगा आपका 7/10 माइनस 4/3, ये अनुपात आपका क्या आ जाएगा, इसका इसमें इसका इसका हल करने के बाद ये यहाँ पे पहुंच जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। हल किया, ठीक है, यहाँ पे क्या था 5 था, है ना, 5 ही है ना, तो यहाँ पे एलसीएम फिर से कितना आ जाएगा 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 7, ज्यों का त्यों, यहाँ पे 4 दूनी 5 एकम 5 5 दूनी 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 इस तरह पाए एलसीएम क्या आ जाएगा 10, 5 से 5 दूनी 6, यहाँ पे 3 दूनी 6 और यहाँ पे 7, देखिए फिर से अनुपात क्या आ रहा है 1:1। तो दोनों को आपने जिस तरीके से मिलाएंगे आपका अनुपात सेम बनेगा। तो आपको हमेशा जब भी आए तो आपको बस एक एक हिस्सा करना है, एक हिस्सा इसका उठाइए, एक हिस्सा उठाइए, और उसी हिस्से से आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरीके से कोई भी चीज आए तो आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से हल करना है, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, अगली बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। दो मिश्र धातुओं में तांबे और जस्ते का अनुपात 1:3 है और 3:5 है, उसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि यह अनुपात 5:7 हो जाए। तो अब भी हमने आपको मेथड सिखाई, ठीक है, 1:3 और 3:5, और मिलाने का कितना हो जाएगा 5:7। बस अब भी आपको इसको हल करना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 इसका हिस्सा है और 3/4 दूसरे का हिस्सा है, यहाँ पे कितना 5 और 3 8, तो 3/8
और 5/8 ये इससे निकल जाएगा, यहाँ पे कितना है 7/5 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/12 और यहाँ पे आ जाएगा 7/12, ये सब किससे हो गए। अब इसको हल कर देते हैं अपन कैसा, अपने अनुपात बना के 1/4 अनुपात, ठीक है 1/4 और यहाँ पे दूसरे का लेते हैं 3/8, ठीक है मिला कितने में देते हैं 5/12 में, पहला पहला ले लिया इसका इससे अंतर देखा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/8 माइनस 5/12 और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपका 5/12 माइनस 1/4, आगे पीछे लिख के कर देना बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपने हिसाब लगाया दोनों का एलसीएम कितना बन रहा है, तो आपने हिसाब लगाने की कोशिश की एलसीएम बन रहा है 12 और 8 का, ठीक है तो यहाँ पे 12 और 8 में दोनों को संख्याओं किस संख्या से भाग रहा है, तो आपने बोला सर 24 से जा रहा है, ठीक है 8 12 दूनी 24, ठीक है 8 3 24 होता है, तो कितना आ रहा है आपका 24 आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है क्या आ जाएगा 24, ठीक है आपने यहाँ से भाग लिया 8 3 24 3 3 9 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, 12 2 24 5 2 10, अब यहाँ पे यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे एलसीएम आने वाला है 12, ठीक है क्या आने वाला है 12, ठीक है अब यहाँ पे आपने हिसाब 12 और यहाँ पे 4 का दिया कितना आ गया 4 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है तो यहाँ पे आपने हल किया तो यहाँ पे बचा 1/24, यहाँ पे बचा आपका 1/12, अब दोनों को काट दीजिए कितने दोनों को दो से काटा यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 1 12 12 2 24, इनको इंटरचेंज कर दीजिए तो अनुपात कितना आ जाएगा 2:1:2, क्या बनेगा आपका 1:2 के अनुपात में ये दोनों क्या हो जाएंगे मिक्स हो जाएंगे, ठीक है 1:2 के अनुपात में ये क्या हो जाएंगे मिक्स हो जाएंगे, तो बस आपको जब भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए आपको यही चीज कर देना है, बस एक एक उठाइए दोनों तरफ से करके देखिएगा आपका आंसर सेम निकलेगा, तो कभी भी कोई प्रॉब्लम और कोई परेशानी नहीं जाएगी, तो जब भी आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन मिले तो आपको एक एक चीज को प्रॉपर तरीके से हल करना है, ठीक है तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से हल करके दिखाया। अब यहाँ पे हमने आपको एक क्वेश्चन छोड़ रखा है, क्यों, क्योंकि आपको वो क्वेश्चन हम यहाँ पे आपकी नहीं कर पाए हैं, तो आपको हम उसका सीधा तरीका बता देते हैं कि आपको एक क्वेश्चन आएगा कि कोई मिश्रण है, ठीक है कोई 40 लीटर का मिश्रण है, उसमें से आपको 10% पानी पे एक बार निकाला गया, ठीक है एक किसी मात्रा से, आपका क्वेश्चन एक बार ध्यान से सुनिएगा कि कोई आपका 40 लीटर का मिश्रण है, ठीक है उसमें से आपने 10% पानी निकाल लिया है, ठीक है 10% पानी निकाल लिया, उतनी ही मात्रा में आपने क्या मिला दिया दूध मिला दिया, ठीक है दूध मिला दिया और यह इतनी ही मात्रा में आपने क्या दूध मिला दिया और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, तो बताइए कि आखिर में शुद्ध या पानी कितना बचा या दूध कितना बचा, टाइप से क्वेश्चन आता है, ठीक है तो आपको यहां पे यही चीज ध्यान रखना है, तो जब भी आपको इस टाइप से आए तो हम आपको एक फॉर्मूला बताते हैं क्या शुद्ध मात्रा बराबर कुल मात्रा, ठीक है कुल मात्रा, ठीक है ये वाला कुल मात्रा यहां रखोगे और यहां पे आ जाएगी 1 माइनस निकाली गई मात्रा बटे में कुल मात्रा, और बटे में यह प्रक्रिया कितनी बार करी गई तो इसे बोलते हैं अपन आवृत्ति, यह वाला फॉर्मूले से आप निकालोगे डायरेक्ट आंसर आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्वेश्चन लिया कि किसी 40 लीटर दूध में, ठीक है 40 लीटर के दूध में आपका क्या है 40 लीटर दूध लिया आपने, वो आपका क्या था उसमें आपने कुछ क्या 10% क्या लिया आपने पानी 10% पानी मिला दिया और उतनी मात्रा में सॉरी 10% क्या दूध निकाल दिया और उतनी मात्रा में क्या डाल दिया पानी डाल दिया, ठीक है तो आपका क्या था 40 था, ठीक है उसमें आपने क्या किया 10 निकाल लिया 10% मतलब कितना निकाला आपने 4 दूध निकाल दिया और क्या मिला दिया 4 पानी मिला दिया, ठीक है तो यहाँ पे आपका दूध क्या हो गया, आप यहाँ पे आपका दूध बचा कितना 36 और पानी हो गया कितना आपका 4, ठीक है और यह प्रक्रिया पुनः कितनी 2 बार और दोहराई गई, तो 2 बार यहाँ आपको दोहराने को बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा 2 बार आपको फिर दोहराने को बोला जाएगा, तो आपको हर बार इसका क्या निकालना पड़ेगा 10% निकालना है, ठीक है और यह प्रक्रिया जितनी बार, तो यहाँ पे अभी आपको संख्या सरल मिली है तो अगली बार इसका 10% निकालोगे कितना आ जाएगा 3.6, तो 3.6 यहाँ से निकालोगे यहाँ पे कितना मिला दोगे 3.6 मिला दोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका, यहाँ पे बचने वाला है आपका कितना 4, ठीक है और यहाँ पे बचा आपका कितना 5 2 और यहाँ पे आएगा 3, तो आपको ये प्रक्रिया एक बार और होगी, अब इसका फिर से आपसे कितना 3 बार यदि पूछ लिया एक बार और दोहराओगे तो अब यहाँ पे अपन डायरेक्ट फॉर्मूला पुट अप करके देखते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 40
और वन माइनस कितनी बार बोला आपने, निकाली कितनी है हमने, 10%, मतलब कितना निकाल रहे हो, 10 निकाल रहे हो, ठीक है, 10% मात्रा निकाल रहे हैं अपन, तो यहाँ पे रखेंगे 10 और बटे में कितना आ जाएगा, कुल मात्रा कितनी है 40, और यहाँ आवृत्ति कितनी बार बोला हमने, 3 बार, इसको हल्का दो, 4 से 0 से 0 गया, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 40 गुणित गए 3, 4 एकम 4 मतलब कितना 3/4 गुणा 3/4 और गुणा 3/4, ठीक है, इसको हल कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। यदि क्वेश्चन में थोड़ी सी क्या बनाने में मिस्टेक हो सकती है, पर मेथड आपकी यही होगी, ठीक है, जिस इस तरीके से आप निकालोगे तो कभी भी आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये हमने एक बेसिक फॉर्मूला दे दिया है, ठीक है, यदि होगा तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम आपको अगली क्लास में जरूर करवा देंगे, जिससे आपकी कोई भी डाउट ना बने। तो इस तरीके से हमने अपना मिश्रण चैप्टर बिल्कुल दो भागों में बहुत इजी तरीके से आपको क्या सॉल्व करके दिखाया। अभी तक हमने पूरे वीडियो में ना आपको कहीं भी कुछ बात बोली है, ना अभी तक कोई भी चीज बताई है, क्या कि हम किस चैनल पे पढ़ा रहे हैं, तो भैया एक बार फिर हम आपको प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस के नाम से जो चैनल है उस पर पढ़ा रहे हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सकेगा आपको इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और आपको कमेंट सेक्शन के द्वारा कमेंट में आपको बताना है कि हमारा वीडियो कितना पसंद आ रहा है और कितना नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम ये देना चाहेंगे कि आज के इस वीडियो के बाद आपको कुछ ही समय में आपका जिन भी व्यक्तियों का क्या हमारे सब ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के पेपर है जो अभी आपके 29 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है एक प्रबंधन, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं मैनेजमेंट, उसका हम एक बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए आने वाली है, तो जितना हो के उसको भी आपको देखना है और लाइक और शेयर करना है। ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है, क्यों, आपको जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उससे आपको सीधा हो सके तो हो सकता है पूरे के पूरे क्वेश्चन मिल जाएं। तो आपको जितना हो सके उस वीडियो को भी आपको लाइक और शेयर करना है और हमारे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करना है। इस तरीके से हम आज के लिए विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद और नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।